बेस्ट कैप्टन अच्छा इंडिया का और इंटरनेशनल, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों में से सबको एक मर्ज करके और फिर पूछूं तो बताइए। यार ये बहुत टफ सवाल है क्योंकि कंपैरिजन में आ जाती है बात। मुझे नहीं लगता सबका अलग अलग होता है, अब क्योंकि अब जो ज़्यादा सक्सेस हो गया आप उसी को बोलोगे ऑब्वियसली, क्योंकि सक्सेसफुल वो ज़्यादा हुआ है। तो मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है वो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। अच्छा शमी भाई, आप धोनी की कप्तानी में खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले, इवन विराट कोहली की कप्तानी में खेले, किस कप्तान के अंडर आप बहुत कंफर्टेबल रहे हैं? वो सारी फ्रीडम मिली जो आपको चाहिए था, वो सारा आपको सपोर्ट मिला जो आपको चाहिए था, सबने दिया होगा, लेकिन एक कंफर्ट होता है गेंदबाज का कि मुझे लगता है कि यार मेरा थोड़ा ट्वीटिंग यहाँ अच्छी बनी इससे, धोनी से, विराट एंड रोहित। नहीं सबका यार खेलने का तरीका अलग है, सोचना अलग है, सब हर कैप्टन प्लान करता है, अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं, तो सब ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने प्लान्स बताए, बॉलर्स के साथ बात की है कैसे खेलना है, कैसे प्लान करना है या फिर कैसे अटैक करना है। सबका जो प्लानिंग होता है, जो प्रिपरेशन होता है, जो मीटिंग्स होती हैं हमारी, उसमें डिसाइड हो जाता है कि हमको ऐसे करके करना होता है, या इनके इस बैट्समैन के अगेंस्ट में हमें ऐसे खेलना है, या इसको ऐसा अटैक करके आउट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस रखे जाते हैं। ऐसे नहीं है कैप्टन बेचारा, उसको एक जिम्मेदारी पहले से ही आपने दे रखी है, अब उसके दिमाग में ये है कि मुझे जीतना भी है, मुझे इनको आउट भी करना है, मुझे ओवर एज का भी देखना है, सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई रिएक्ट कर जाता है, कोई कोई नहीं करता है, कोई जैसे माही भाई हैं वो कुछ बोलते ही नहीं थे फिर भी मेंटेन होता था, विराट है तो सारे में भाग के भी मेंटेन कर देता था, अब रोहित है वो अपने तरीके से कर रहा है। तो कैप्टन कभी कैप्टन का रोल कभी ऐसा नहीं रहा है कि दबाव वाला, कभी दबाव नहीं। ये रोल शमी भविष्य में लेना चाहेंगे टीम इंडिया का कैप्टन? अरे कौन नहीं चाहेगा भाई, मैं तो अगर किसी कंट्री की कमान कोई संभालने के लिए तैयार ना हो तो भाई वो तो अवतार हो सकता है। मैं तो चाहूँगा मैं चाहूँगा हमेशा कि हाँ अपनी कंट्री के लिए मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लेकर चलूँ। इसके लिए भी मादा चाहिए, इतना क्लैरिटी के साथ शमी भाई बोलना कि मन में जो है वो ज़ुबान पर आ जाए, और इसके लिए मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती होगी। और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप सामने बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी को इस पूरे देश ने देखा है, आप जिस तरीके से मैदान में खेलते हैं वो अलग बात है, और ज़िंदगी ने जो खेल आपके साथ किए हैं वो भी पूरे देश ने देखे हैं। ऐसे मौक़ों पर देश के लिए जी जान से लग जाना, कोई शिकायत नहीं करना, इसके लिए मादा चाहिए होता है। ये तो बात सब मान गए हैं कि शमी की बॉलिंग में उनकी स्विंग में धार ऐसी कि शमी की शरण में लौट कर आना ही पड़ा। अब ये अल्लाह का करम समझो या फिर स्किल को समझो आप, या मेहनत का रंग समझो, बट यार यही कहता हूँ मैं, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है जैसे मैं बदनाम हूँ, बिरयानी खाता है, कबाब्स खाता है, अरे खाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ यार। तो वो मेहनत कुछ लोगों को दिखती नहीं है जो मैं करता हूँ, क्योंकि लोग घर पर जाकर आराम करते हैं, अपना इंजन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं जब घर पर जाता हूँ मैं टीम से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करता हूँ, तो वो उसका रंग दिखता है, वो उसकी मेहनत, जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलता है मुझे, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि बड़ी आराम से मिल गया है। लेकिन अमृत आप तो हर एक भाई को तो मैंने बहुत करीब से देखा तो है ऐसा भाई, जितना मुझे पता है, मैं आप दोनों ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए, इसका मतलब ये नहीं शमी भाई कि मैं ये कह रही हूँ आप बुजुर्ग हो गए, मैं नहीं हो सकता, हाँ नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आपके उस स्विंग में वो मज़ा, वो मैजिक खत्म होता जाता है। बट कहते हैं ना शेर बूढ़ा नहीं होता है, तो शेर शेर ही होता है, बब्बर शेर हमारे शमी भाई। देखिए अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस तरह से वर्ल्ड कप इन्होंने गेंदबाजी की काबिले तारीफ है। शमी भाई क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ था वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में मौका नहीं मिलना? हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड शायद नहीं होते तो शायद आपको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलता ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन कैसा लगा आपको पहला दो तीन मैच कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है वर्ल्ड कप में, और स्टार्ट भी हमेशा ऐसा ही हुआ है तो 2019 में भी वैसा ही हुआ था, पहले चार मैच नहीं खेला तब के मैं 2019 का हाईएस्ट विकेट टेकर था,
तब भी मैं पहले चार मैच नहीं खेला था, पहला मैच खेला और उसमें हैट्रिक भी लिया था। तो स्टार्ट हमेशा ऐसा ही हुआ है, 2015 वर्ल्ड कप में भी सेम हुआ था स्टार्ट, पाकिस्तान के खिलाफ चार विकेट ली थी। तो स्टार्ट हमेशा से ऐसे ही हुआ है, चांस देना मेरे हाथ में नहीं है भाई। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है शमी भाई? मतलब आपने पहले भी बहुत खुलकर ये बात कही है कि यूपी की तरफ से खेला करते थे, लेकिन आपको फिर रुख बदलना पड़ गया क्योंकि नाइंसाफी हुई। क्या शमी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड में नाइंसाफी हुई है, खासकर सिलेक्शन को लेकर? पता नहीं यार, इतना मैं उसमें घुसता नहीं हूँ। मैं, मुझे अपने पे बिलीव है यार, मुझे जब खिलाओगे मैं अपना 100% देने उतर जाऊँगा। मैंने आज तक ना तो किसी को ब्लेम किया है और ना मैं करना चाहता हूँ। भाई आप जो करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे जितना कंट्री के लिए सर्व करने दोगे आप, मुझे जितना मौका दोगे, मैं अपना 100% दूंगा, मैं इतना जानता हूँ। हसी भाई, ये तो श्री श्री 1008 बनने के मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। भाई आप तेज गेंदबाज हो, आक्रामक गेंदबाज हो, लेकिन गुस्सा क्यों नहीं आता आपको? मतलब विकेट लेने के बाद, एब्सोल्युटली, मतलब विकेट लेने के बाद आप आराम से बहुत नॉर्मल हो जाते हो, शोएब अख्तर तो आधे ग्राउंड दौड़ जाते हैं। अरे मैं एनर्जी सेव करके रखता ना, मुझे और भी काम हो। देखो ऐसा नहीं है कि खुशी मुझे होती है खुशी, बट विकटें भी निकालनी है भाई। तो थोड़ा पेशेंस, मुझे क्या है, मुझे जब ज़्यादा विकटें मिलती हैं ना, कभी क्या होता है कि जब बॉलर विकेट लेता है तो 38 के बाहर तक भाग के चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने यार अभी पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो खुद ही दिमाग लड़ा रहे होते हैं क्या है, लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हो तो कोई नहीं सोचता कि हम अच्छा क्यों कर रहे हैं। मेरा दिमाग वहीं पर रहता है कि ये अच्छा हुआ है तो इस वजह से हुआ, मुझे अगला भी यही करना है। तो मैं पेशेंस रखता हूँ वहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि उसी जगह को मैं रिपीट करता रहूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं होती, मैं सेलिब्रेट करना नहीं चाहता। हाँ, जो मुझे उंगली करता फिर मैं करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता फिर मैं। अगर हाँ मुझे बदतमीजी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा, क्योंकि आप जैसा बिहेव मुझे सामने से करोगे मैं वैसा बिहेव करूँगा, वैसा ही रिएक्ट करूँगा। अगर आप मुझसे कुछ नहीं बोलोगे तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ, अपना भाई फाइन लेग पर खड़ा हो जाता हूँ जाके। शमी भाई, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, क्या आप लोग भी कभी कभी इस बात को लेकर सोचते हैं कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? कितने लोग हाथ उठाएं, कभी ये सोचा है कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, कैसे काबू कर लेता है अपने गुस्से को इतना? ये कैसे होता है, मतलब आप हमेशा से ऐसे थे या पहले गुस्सैल थे और जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने ये सबक सिखा दिया कि बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुस्सा रहो या शांत रहो? यार लाइफ में तो अप एंड डाउन तो हमेशा सबके आते हैं, हमेशा होता है सबके साथ, आज अच्छा दिन है कल खराब हो सकता है, या फिर टर्न तो होता ही है लाइफ। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि भागने के बाद किसको सुकून मिलता है, जरा बताना मुझे कि गुस्सा किसको आता है भागने के बाद? घर में बीवी दौड़ा दे तो उसको गुस्सा आता है किसी को? नहीं आता होगा शायद। या रनिंग करके कोई आया तो उसको गुस्सा आता है? नहीं आता होगा। वैसे ही होता है, क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं, जब हम पेशेंस, मतलब हमें कई सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, क्योंकि हमें भागना भी है, बॉल भी डालना है, आउट भी करना है, टीम के हित में भी सोचना है, रन ना पड़ जाएं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का होता है, विराट कोहली को आप देख लो, बिना विकेट के बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन कर जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी, मैंने अच्छा हुआ तो बॉलर नहीं था। तो उनको आप पास में रखते होगे खुद के लिए? उसको मज़ा आता है। एक्चुअली में क्या है ना, उसको, वो उसका स्टाइल है खेलने का, उसका नेचर में वो सेट हो गया है वो चीज़, वो खुद को रोकना भी चाहे नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था, यार मुझसे नहीं सवाल मत पूछा करो कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे खुद शर्म आ जाता है वो। बाद में उससे पूछो ना ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मैंने उसको पिक्चर भेजा, मैंने ये क्या था, विकेट से इतना ऊँचा था ऊपर जंप मार के, मैंने भाई ये क्या था, विकेट तो मेरा था, करो छोड़ो भूल जाओ।